बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल एंट्रीज़ का, आज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.1A है, ठीक है। इसका ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इसका मैं आज आपको जर्नल बना के दिखाऊँगा। अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन है, उसने लिखा है ब्योर इन्वेस्टेड $100,000 कैश अलॉन्ग विद $24,000 इन ऑफिस इक्विपमेंट इन कंपनी। जो आपका ऑनर है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, 1,00,000 कैश इन्वेस्ट किया है और 24,000 उसने ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो आपको पता होता है बेटा, जो भी बिजनेस में ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल कहलाता है, और दूसरा वो कैपिटल की फॉर्म में हमारे पास जो भी चीज़ आ रही होती है वो एसेट होते हैं। एक एसेट हमारे पास कैश है, दूसरा एसेट हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है। हम सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले तो बेटा आपने आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, अप्रैल फर्स्ट, ठीक है। ईयर नहीं दिया तो हम अप्रैल फर्स्ट ही लिखेंगे। अब इसमें आपके पास दो अकाउंट थे, एक कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट था, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी आपका डेबिट था, और क्रेडिट होगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैश की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 1,00,000, ऑफिस इक्विपमेंट जो था वो हमारे पास था 24,000। टोटल कैपिटल हमारे पास आ गया 1,24,000 का, ठीक है। इसके बाद हम इसकी नरेशन लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस, कि बिजनेस में ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी नीचे लाइन लगा देंगे, ठीक हो गया। ये तो हमारी पहली जनरल एंट्री हो गई थी। उसके बाद अप्रैल 2nd द कंपनी प्रीपेड $7,200 कैश फॉर 12 मंथ्स रेंट फॉर एन ऑफिस। अब कंपनी ने क्या किया है कि 12 महीने का एडवांस में रेंट पे कर दिया। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पे कर देना, यानी उन्होंने पूरे 12 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया है। तो जब भी एडवांस में रेंट पे कर दिया जाए तो बेटा याद रखिएगा, ये आपका एक एक्सपेंस, रेंट आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये एडवांस में पे कर दिया तो इसे हम बोलेंगे प्रीपेड रेंट। लेकिन जो एडवांस में रेंट पे कर दिया जाता है बेटा, वो आपका एसेट कंसिडर होता है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर इसकी एंट्री पास करेंगे, अप्रैल 2 प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। अब प्रीपेड रेंट बेटा आपका एसेट है, क्योंकि ये एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, एडवांस में आपने पेमेंट कर दी हुई है, तो ये प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद कैश अकाउंट आपका क्रेडिट, यहाँ पे रेंट अकाउंट लिखेंगे, और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट। तो अमाउंट हमारे पास दी हुई है बेटा 7,200, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे, पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में हमने रेंट पे कर दिया 7,200, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, अप्रैल 3 में द कंपनी मेड क्रेडिट परचेजेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर $12,000 एंड ऑफिस सप्लाइज फॉर $2,400। पेमेंट इज ड्यू विद इन 10 डेज। आप कंपनी ने क्रेडिट परचेजेस किए हैं, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है 12,000 का, ऑफिस सप्लाइज खरीदी है 2,400 की, और जो पेमेंट है उन्होंने कहा जी हम 10 दिन के बाद पे करेंगे। इसका मतलब ये उधार पर है, क्रेडिट पर है। तो क्रेडिटर, इसका मतलब अभी हमने इसको पेमेंट करनी है, तो जिसको भी हमने पेमेंट करनी है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं या अकाउंट पेएबल बोलते हैं। जो भी चीज़ खरीदते हैं वो बिज़नेस का एसेट होता है। तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, अप्रैल 3 सबसे पहले आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ये आपका डेबिट है, और ऑफिस सप्लाइज अकाउंट, ये भी बेटा आपका डेबिट है, और हमने अभी पेमेंट नहीं की तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकाउंट पेएबल, अकाउंट
पेएबल अकाउंट, ठीक है। और हमारे पास जो परचेजेस की गई थी वो 12,000 का ऑफिस इक्विपमेंट था और 2,400 का ऑफिस सप्लाई थी, तो टोटल हमारे पास आ गया बेटा 14,400 जो भी हमने अदा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरेशन परचेजेस ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाइज, ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 उसकी एंट्री हमने पास कर दी। उसके बाद अप्रैल 6 में द कंपनी कंप्लीटेड सर्विसेज फॉर द क्लाइंट एंड इमीडिएटली रिसीव $2,000 कैश। आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की क्लाइंट को और 2,000 रुपये उसी वक्त कैश रिसीव कर लिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब आपने इनकम जनरेट की और इनकम हमेशा इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और इनकम के बदले में आपको मिला क्या बेटा कैश, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट कौन सा है, पहले हम डेट लिखेंगे अप्रैल 6, आपको कैश उसी वक्त मिल गया तो बेटा एक अकाउंट होगा आपका कैश अकाउंट क्योंकि ये इंक्रीज इन एसेट है, और दूसरा बेटा सर्विसेज इनकम, सर्विसेज इनकम लिख दें या सर्विसेज रेवेन्यू लिख दें, ठीक है। और अमाउंट हमारे पास है 2,000। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अर्नड थ्रू रेवेन्यू, कि रेवेन्यू के थ्रू हमने कैश अर्न किया है या सर्विसेज इनकम प्रोवाइड की, सर्विसेज प्रोवाइड की उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल गया। उसके बाद अप्रैल 9 द कंपनी कंप्लीटेड एन $8,000 प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट हु मस्ट पे विद इन 30 डेज। अब यहाँ पे भी आपने 8,000 को आपने काम कंप्लीट करके दिया क्लाइंट को, लेकिन यहाँ पे उसने पैसे नहीं दिए और उसने प्रॉमिस किया कि मैं 30 दिन के अंदर पेमेंट करूँगा, तो इसका मतलब अभी आपने उसे पैसे लेने हैं। तो बेटा जब आपने किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसे अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं या उसे डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब काम इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई बेटा, तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे अप्रैल 9 अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका एसेट है, एंड सर्विसेज इनकम क्रेडिट, सर्विसेज इनकम लिख दें, सर्विसेज रेवेन्यू लिख दें, जो भी आप लिख सकते हैं, 8,000 यहाँ पे हम इसकी जनरेशन कर देंगे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमने अर्निंग कर ली लेकिन अभी हमने कम पैसे लिए नहीं, रिसीव नहीं किए। उसके बाद बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 13 है द कंपनी पेड $14,400 कैश टू सेटल द अकाउंट पेपर रिक्रिएटेड ऑन अप्रैल 3। बेटा अप्रैल 3 में हमने क्रेडिट पर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था, 12,000 का ऑफिस सप्लाईज परचेज की थी 2,400 की, तो उसके पैसे हमने 10 दिन के अंदर देने थे। तो अब हमने 13 को खरीदा तो 13 को 10 दिन पूरे हो गए, तो अब हमने उसके पैसे अदा कर दिए, उसकी पेमेंट दे दी, ठीक है। तो अब हम उसको पेमेंट अदा करेंगे, अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे अप्रैल 13, ठीक है। तो बेटा अकाउंट पेएबल को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटी होगी हमारी, अकाउंट पेएबल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है पेमेंट के थ्रू तो इसलिए हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 14,400। अकाउंट पेएबल एंड सेटल, कि हमने अकाउंट को सेटल कर लिया, ठीक है। अब नरेशन लिख सकते हैं, अपने शॉर्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा 19 की डेट है द कंपनी पेड $6,000 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। कंपनी ने 6,000 रुपये कैश पे किया है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी 12 महीने की आपने वसूल की। तो बेटा अभी 12 महीने की इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जैसे हमने प्रीपेड रेंट था इसी तरह ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया लेकिन हमने इसको एडवांस में पे कर दिया, लेकिन एक्चुअली हमारा एक्सपेंस हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रीपेड
इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट हमारे पास बेटा है 6000। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, कि एडवांस में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रीमियम की अदायगी कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद द कंपनी रिसीव्ड $6,400 कैश एज अ पार्शियल पेमेंट फॉर द वर्क कंप्लीटेड ऑन April 9। बेटा April 9 को आपने 8000 का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, उन्होंने कहा था आपको 30 दिनों में पेमेंट कर देंगे। बेटा उन्होंने आपको 6400 रुपये की पेमेंट अभी अदा कर दी, यानी 8000 लेना था लेकिन 6400 उन्होंने अभी दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 22। तो याद रखिएगा कैश आपको रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा डेटर था उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब हमने इससे पैसे ले लिए। जितनी अमाउंट से हमें रिसीव किया उतने से हम उसको क्रेडिट करेंगे 6400 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारी इसकी ड्यूरेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा द कंपनी कंप्लीटेड वर्क फॉर अनदर क्लाइंट फॉर 2640। आपने एक और क्लाइंट का काम कंप्लीट कर दिया 2640 का, लेकिन उसने भी आपको पैसे भी नहीं दिए ऑन क्रेडिट, का मतलब होता है उधार, यानी अभी भी आपने उसे पैसे लेने हैं, ठीक है। तो बेटा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे April 25। तो आपने काम कंप्लीट कर लिया है, पैसे अभी आपने उसे रिसीव करने हैं, तो इसका मतलब बेटा आपने आपका ये एसेट हो गया अकाउंट रिसीवेबल डेटर के नाम से या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ये आपका डेबिट हो जाएगा और सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2640, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारी इसकी नरेशन हो जाएगी। 28 वेयर विड्रॉ 6200 कैश फॉर फ्रॉम द कंपनी फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए उसने $6,200 कैश विदड्रॉ किया है। तो बेटा ये से हम ड्राइंग्स कहते हैं, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर पैसे बिजनेस में से निकलवाता है तो उसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो April 28 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हम इसे कह सकते हैं कि डिक्रीज इन कैपिटल भी है, इस वजह से भी हम इसे, क्योंकि ऑनर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो इंक्रीज इन कैपिटल जब वापस ले लेता है तो डिक्रीज इन कैपिटल के सेंस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और कैश अकाउंट हमारा बिजनेस में से जा रहा है इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा ये उसने लिए हैं हमारे से 6200 कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ किया कैश पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। 29 द कंपनी परचेज $800 ऑफ एडिशनल ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, आपने फिर ऑफिस सप्लाईज परचेज की एडिशनल, वो भी उधार पर, तो इसका मतलब ये आपने पेमेंट अदा करनी है। तो बेटा जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं बेटा वो आपका एसेट होता है, उसका नाम है हम ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट करेंगे और अकाउंट पेएबल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने अभी पैसे ये देने हैं दिए नहीं हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। तो बेटा ये आ जाएगा 800 परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, के उधार पे हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी है जी द कंपनी पेड $700 कैश फॉर दिस मंथ यूटिलिटी बिल, यानी यूटिलिटी बिल पे किया हमने $700 का,
तो वो हमारा एक्सपेंस होता है बेटा, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट है, और एक्सपेंस का नाम है यूटिलिटी बिल अकाउंट डेबिट, एंड बेटा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा $700। यहाँ पे इसकी नरेशन मेंशन कर देंगे, पेड यूटिलिटी बिल। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है, कि हमारी जितने क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम जो सेट ए था उसका 2.1A का हमारा एक क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया टोटली, ठीक है जी। ये हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस इसमें हमने कंप्लीट कर ली हुई है, ठीक है, और आप इसकी जनरल एंट्रीज भी सारी मैंने रिकॉर्ड कर दी हुई है, ठीक है। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आपको, तो स्टूडेंट जो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2.1A सॉल्व किया था, इसी तरीके से आपकी बुक का क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट बी में 2.1B सेम ये क्वेश्चन आपने वैसे ही परफॉर्म करना है जिस तरीके से मैंने 2.1A को सॉल्व किया था। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको सेम ट्रांजैक्शंस हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ वैसे की वैसी है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को लाजमी परफॉर्म करना है, इससे जो होगा आपके क्वेश्चन के ऊपर आपकी जनरल एंट्रीज के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।